मैं तो जी सेकंड हैंड हस्बैंड ही हूँ फिल्म में, तो फिल्म में थोड़ा सटल रोल ही है मेरा। इनका होटल है जिसमें मैं फ्रंट डेस्क मैनेजर हूँ। अपनी बीवी से डिवोर्स हो चुका है, एलिमनी देनी पड़ती है, तो एलिमनी से छुटकारा चाहता हूँ एंड बीवी को एडवाइस करता हूँ कि तू कहीं शादी कर ले। तो अब शादी करने के लिए उसको आगे लड़का चाहिए, सो उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ। फिल्म में बेसिकली ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए रिश्ते ढूँढ रहा हूँ, सो ये मेरा किरदार है जी। मेरा किरदार बहुत गर्म है, आप लोगों ने मुझे टाइटल दे दिया ना, गर्म धर्म ही मैन, तो इस फिल्म में एक्स्ट्रा गर्म 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 हो गया। आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म है जो बेसिकली एक इंटेलिजेंट ह्यूमर की फिल्म है, टाइमिंग की फिल्म थी एंड पाजी को तो देख देख के हम बड़े हुए हैं इनकी फिल्में, अगर चुपके चुपके अगर कॉमेडी जितनी भी फिल्में की बात कर लो, सो हर बंदे की टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीन कॉमेडी सीन ऐसे होता है कि अगर एक भी बंदा बीच में ड्रॉप हो गया तो समझो सीन गया। बट मुझे लगता है कि टीना शायद घर से थोड़ी बहुत ही टिप्स लेके आई थी या प्रिपेयर होके आई थी इसका फिल्म के लिए, सो बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी और मुझे लगता है अच्छा लगेगा सबको। मैं इतना कहूँगा, फिल्म देखने के बाद मर्दों को तो लगेगा यार ये हम भी कुछ ऐसे हैं, और लेडीज़ को लगेगा यार क्या स्टाइल है बंदे का, ऐसे को तो फंस जाना चाहिए। इट्स वेरी गुड, और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं, बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी है। और अब ये सोचो कि फ्लड आदमी जब रंगे हाथों पकड़ा जाए वाइफ से तो उसके क्या होगा, तो कहानी का वो नशा बहुत आ गया। कई सीन्स ऐसे आते हैं कैसे मैं मनाता हूँ और मनाने के बाद हैबिट नेवर डाइज। आई लव कैमरा, मैंने कहा ना ये जो ऐसे लोग प्रोफेशन कहते हैं ये मेरी महबूबा है, मैं इनके आसपास ही रहना चाहता हूँ, मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, इनसे दूर चला जाऊँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जब तक जिंदा हूँ आई विल बी इन लव विद इट एंड थ्रू दिस आई कम क्लोज टू यू ऑल। मैं हर किसी के दिल को छूता हूँ, किसी को अच्छी तरह, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। और आपसे जो प्यार मिलता है ना, इट्स ए ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लव, टू बी लाइक, टू बी एडमायर्ड। I think there is nothing like show business. अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, but I am extremely happy, extremely, extremely happy, and I want you all to pray for him. He should be a great human being. He should live a very, very happy, healthy, prosperous, long life. I know आप लोगों की good wishes हमेशा लगती हैं।